वेलकम फ्रेंड्स, आज आप देखकर चौंके होंगे कि ये कैसा लिखा गया थंबनेल में। बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, जीरो लेवल मैथ की स्पेशल क्लास जैसा आपने थंबनेल में देखा है, टाइटल में वैसा है, बिल्कुल सच होने वाला। अगर आपको मैथ नहीं सिखा दिया तो चैनल डिलीट कर दूंगा। आगे देखिए होता कैसे क्या। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन देखेंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा। और ये जो कुछ मीनिंग लिखी गई, इसका मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ। जरा सुनना ध्यान से, दिल थाम के सुनना मित्रों। ये क्लास होगी इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी हम पूरा सारांश आपको बताएंगे। जरा ध्यान से समझना, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। आज हम आपको 9 तरह की भिन्न बताएंगे, 9 प्रकार की। अगर आपको भिन्न नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेट सीटेट का परीक्षा देंगे, डीएलएड का देंगे, 10th 12th में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल आज से टेंशन छोड़ देना है और निसंकोच पढ़ना है। पहले हम ये देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेज पार्ट ऑफ ग्रुप। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो किसी ग्रुप को व्यक्त करती है या एक्सप्रेस करती है। मतलब समझना, सॉरी ग्रुप को नहीं, ग्रुप के भाग को, जो किसी ग्रुप के भाग को व्यक्त करती है। जैसे कहा जाए अगर कि ये ऐसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे में यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, इवन ऑफ क्या बोलते हैं, अर्थ, धरती का स्वर्ग है अगर, यानी कि जम्मू कश्मीर जिसे बोलते हैं, तो वो क्या है, भारत का एक भाग है, एक अभिन्न अंग है। तो मतलब कहने का क्या है, भारत एक प्रकार का भिन्न है, उसमें से जो जम्मू कश्मीर है उसका एक भाग है, समझ गए ना। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 जो है एक संख्या है, 3 क्या है, एक संख्या है, और इसको जो है 2 भाग में बांटा जा रहा है। मतलब 3/2 कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई नंबर है उसका 3/2 आप निकाल लीजिए। अभी आगे समझिए तो आपको समझ में आएगा, पूरा देखते जाइएगा। फ्रैक्शन आर रिटन इन द फॉर्म a/b वेर a and b आर होल नंबर। होल नंबर मतलब होता पूर्ण संख्याएं। देखिए हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, हम भी भाई चरा वाला आदमी है ही भाई, लेकिन पढ़त पढ़त आवे लगत, ठीक ना। तो इसको a/b के रूप में लिखते हैं फ्रैक्शन को, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि b 0 नहीं हो सकता है। अब b डज नॉट इक्वल 0, अगर b 0 हो जाएगा तो भिन्न बचेगी कहाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा, तब तो अनंत हो जाएगा, फिर भिन्न नहीं बनेगी। a इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड b इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर जो आपको बहुत टेंशन दे रहा है ना, इसका मतलब होता है अंश, इसका मतलब होता है हर। बात समझ में आई, आप ज़रा ध्यान से देखना। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं। अभी आपको एग्जांपल दिखा दें, जैसे 31/7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 31 जो है वो क्या है, एक नंबर है, उसको 7 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे आपसे कोई बोले कि आपके डैडी के पास, पापा के पास जो है वो 500 रुपीज़ हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन मैं यहाँ पर अनुमानित बता रहा हूँ, 500 रुपीज़ है, ठीक। आप लोग 2 भाई हैं तो क्या कितना आएगा, दोनों भाइयों को लेना है उसी में 500 में, कहा जाए कि 1/2 आप ले लीजिए, 1/2 वो ले लेंगे, तो इसको बांटोगे कैसे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करके ही तो बांटना पड़ेगा। मतलब 500 का 1/2, बात समझ में आई ना। तो 500 का 1/2 करोगे कितना आएगा, 250 आएगा ना, 250 क्या है, इसी में का तो एक पार्ट है। मतलब अब आप कहने का समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा मत समझिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं, ध्यान से देखना। देखिए आप लोगों के मन में बहुत सवाल आ रहा होगा कि 4 मिनट हो गया, आखिर ये डांस और नाच इंस्टीट्यूट का है लिखे है। इसको मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जिनको आप ऑल टाइम यूज करते हो हर समय, लेकिन हिंदी नहीं बोलते हो, तो उसी तरह से हिंदी में आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल लगती हैं, और होती भी है। हिंदी जो है इंग्लिश से कठिन है, याद रखना। आइए दिखाते हैं आपको। आप कभी बोलते हो कि हम वाणिज्य के स्टूडेंट हैं, जो लोग बीकॉम कर रहे हैं वो कहते हैं हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अक्सर बोलते हैं ना, इंग्लिश वर्ड है। डांस कहते हैं डांस का प्रोग्राम होगा, कोई नहीं कहता नाच का प्रोग्राम होगा, नाच देखने जा रहे हैं या फिर वहाँ लोग नाच रहे हैं, कोई कहता है नहीं ना, कहते हैं डांस कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में डांस करते हैं। वैसे आप समझ सकते हो, कॉलेज जा रहे हैं सब बोलते हैं, कोई विद्यालय नहीं बोलता है। तो ये मतलब मैंने क्यों बताया, ये इंग्लिश के वर्ड मैंने इसलिए बताए क्योंकि आप लोग अभी बोलोगे कि भाई ये इंग्लिश में काहे लिखे हो, इसको हिंदी में काहे नहीं लिख रहे हो, तो मतलब समझ लेना बस इसका। अगर आप मतलब समझ लोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं रह जाएगा। जैसे पानी को वाटर बोलते हैं ना, वाटर बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा ना, तो वैसे इसका मतलब समझ लो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है,
हम आपको 9 टाइप का फ्रैक्शन दिखाएंगे, 9 टाइप का, ध्यान से देखना, पहले 3 टाइप का, फिर 3, फिर 3। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, इसको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ही आपको ये बता दें कि इसमें जो है सारा खेला इन्हीं दोनों नंबर में होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आगे पीछे सारा मैटर घूमता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका ऊपर का गिनती, देखो भाई देसी भाषा में बता रहा हूँ, पहले ऊपर की जो गिनती है वो नीचे वाली गिनती से छोटी हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बात बन रही ना, समझ में आ रही ना, ये कभी भी कटेगी नहीं ना, हल होगी इसके आगे यहीं पर ख़त्म, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर आपको कम समझ में आया होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्लास को छोड़ के मत जाना, समझ में आने की हमारी गारंटी होगी, जिम्मेदारी ही नहीं। यहाँ पर 7 जो है वो क्या है, लेस देन 12, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, कभी मत बोलना। जिसे मुझे हिंदी में तो नहीं आता फिलहाल, क्या बोलते हैं इसे, समभिन्न वगैरह जो भी बोलते होंगे, जाने दीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको देखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है दोस्तों जस्ट इसी का उल्टा, इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, इसी को पलट दो और ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या हो गया, इम्प्रॉपर जो है वो क्या हो गया, फ्रैक्शन। मतलब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका हर हर नीचे वाला छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो कहीं आपको टाइप बताना है तो कैसे बताओगे, बस नंबर को देख लो फटाफट बता दो, ठीक ना, इसका डिक्शनरी में मतलब खोज लेना अगर हिंदी में जानना होगा तो, मुझे नहीं मालूम अभी फिलहाल। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन जानते हो, वही जो मिश्रित भिन्नें वगैरह होती हैं, देखा है ना आपने कि नहीं देखा कहीं, इसका मतलब होता है नंबर हैविंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब एक पूरी संख्या हो और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो साथ में, तो मिक्स फ्रैक्शन बनता है। जैसे हमने लिख दिया ये, देखिए दो क्या है यहाँ, होल नंबर है, दो एक पूर्ण संख्या जो कि पूरा पूरा है, और 1/3 मतलब ये क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट बगल में है। इस तरह की जो भी भिन्नें लिखी जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो तीनों आप समझ गए शॉर्टकट में, या आप डेमो क्लास देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन करोगे तो इसका और बेहतर मिलेगा। चलिए आगे आपको और दिखा देते हैं फट से, ध्यान देना। ये रही आपकी सभी प्रकार की भिन्नें, ज़रा ध्यान से देखना। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिन फ्रैक्शन का जो हर होता है नीचे वाला पार्ट, वो क्या होता है, 10 होता है, हमेशा 10 या 10 की घात में होता है। मतलब जैसे 5/10 ये क्या है, दशमलव भिन्न है, 7/100 दशमलव भिन्न है, 121/1000 ये क्या है, दशमलव भिन्न है, और 17/100 ये क्या है, दशमलव भिन्न है, 129/10000 क्या है, दशमलव भिन्न है। इस तरह से आप पाओगे कि इन तरह की भिन्नों में नीचे का जो हर होता है वो हमेशा क्या होता है, 10, 100, 1000, मतलब कि हमेशा 10 की पावर में होता है, बाकी कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हो सकता, केवल 1 के बाद 0 के ही पावर में हो, मतलब रूप में होगा, चाहे 1 बार 0 हो 1 के बाद, चाहे 2 बार, चाहे 10 बार, ये होता है। बाकी अगर देखें वल्गर फ्रैक्शन ये क्या होता है, इसके बारे में ज़रा देख लेना, बिना रहा नहीं जा रहा, हो सकता है आज क्लास काफ़ी लेट हो जाए आपकी, क्योंकि ये क्लास थोड़ा देर में पब्लिश होगी, ये रिकॉर्ड तो हो रही है एक दिन पहले, लेकिन पब्लिश होगी अगले दिन जब हम घर पे होंगे उस दिन। देखिए मित्रों, इसमें अगला हम आपको बता देते, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा है, इसको नहीं बता सकते हैं अभी, इसको आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम है, ये क्लास आपकी रात में रिकॉर्ड हो रही है, अगले दिन तो हम यहाँ पे होंगे नहीं जिस दिन ये पब्लिश होगी, तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, नींद भी आ रही है। तो देखिए हम बता देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इनके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब बताएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जैसे कहा जाए 2/3 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ तो क्या होगा, इसको आप किसी एक नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जैसे 2 से गुणा करोगे तो 4 और 6 हो गया, है ना। अगर कहा जाए कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो इसे आप 7/7 से गुणा कर दीजिए। मतलब कहने का समझना, एक मिनट यहाँ पर ध्यान से, नीचे ऊपर दोनों से गुणा होगा वही नंबर से, ठीक ना, जैसे यहाँ पर अगर आप 2 से कर रहे हो तो यहाँ भी 2 ही से करोगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, यानी कि 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 4/6 है, ठीक ना। 3/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 21/35 होगा, यानी कि अंश और हर में एक ही समान संख्या से गुणा या भाग करके बनाई जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके अलावा आपका जो अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन होता है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका नीचे वाला सभी नंबर जो है, यानी कि हर जो है वो बराबर हो सभी में। जैसे लाइक फ्रैक्शन में मित्रों, जैसे 3/7 हो गया, 5/7, 9/7, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। इसके अलावा अगर हमने लिखा 3/5,
पाँच बटा तीन, तीन मत लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और एक बटा नौ, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। मतलब समझ में आया ना? तो आप लोगों ने इसको भी सीख लिया, इसको भी सीख लिया, और इसको भी सीख लिया, तीन भिन्न उधर सीख लिया था, तीन तीन छः आपने सीख लिया, और बाकी का जो तीन बचा हुआ इसको हम आपको अगला पार्ट जरूर करवाएंगे। इसलिए आप अगला पार्ट जरूर देखना, बिल्कुल कहीं मत जाना, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, हमें बहुत सारी क्लासें देना है। और रक्षाबंधन पे जब छुट्टी होगी आपका वो 15 अगस्त में भी जो छुट्टी होगा उस दिन भी आपको क्लास मिलेगा, क्योंकि आपकी क्लास बंद नहीं होना है। तो ये क्लासें हमें रिकॉर्ड करके इनको कंप्लीट करके रखना होता है, जिससे कि आपको टाइम से टाइम मिल सके और आपको कोई दिक्कत ना हो सके। समझ रहे हो ना? तो जिनको क्लास करना है, अगर समझ में आया तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे ज्वाइन JLIM लिख करके, और ज्वाइन अवश्य करिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अपने PVR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं ऑन किया तो ऑन कर लीजिएगा। अगर इस क्लास को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी के फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करना और फॉलो जरूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इन बातों के साथ। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू।